एक नाव 2 घंटे 27 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर और धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जा सकती है। साथ ही यह 74 मिनट में धारा की दिशा में 20 किलोमीटर और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर जा सकती है। शांत जल में नाव की गति आपसे पूछी गई है, तो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। जो धारा की दिशा है उसमें हम स्पीड को डाउनस्ट्रीम यानी कि डी मानते हैं, ठीक है, डायरेक्शन के स्पीड में धारा की करंट की, और अपस्ट्रीम को हम क्या मानते हैं भाई कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसकी स्पीड है। हम जानते हैं यहाँ से क्या भाई, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, 30/30 डाउन स्ट्रीम में स्पीड डी है, प्लस में 24/ यू, और टोटल टाइम कितना रहे 2 घंटे 27 मिनट। 2 घंटे 27 मिनट को हम तोड़ सकते हैं 2 घंटे 27/60, इसको हम लिख सकते हैं कितना 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 20, 20 दूनी 40, 9 49/20 घंटे, इतना समय लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए भाई, ये है 20 घंटे, 20/d प्लस में 8/u, कितना टाइम लग रहा है 74 मिनट, यानी कि 74/60। अब ये दो इक्वेशन बन गए, दोनों को हम क्या करते हैं सोल्व कर देते हैं, किसी एक को हम इक्वल करते हैं। अगर मैं इसको इक्वल करूँगा तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। यहाँ से कितना हो जाएगा ये 24, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा आपका 60, और ये कितना हो जाएगा चलते ही 12 और 70 के 22, यानी कि 222, ठीक है भाई। तो ये वैल्यू कट जाएगी, अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 30/d इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का, एलसीएम लेंगे इनका और इनका कितना हो जाएगा 60, ये 3 से जाएगा, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 9 × 3 = 27, चलते हैं 12 × 2 = 14, 147। 222 में से 147 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना आपका 7/60, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, और 15 × 2 = 30, 15 × 5 = 75, 5 से कटेगा ये 12 बार में, तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 24 किलोमीटर पर आवर, यानी डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। अब इस डी को हम यहाँ पर रख देते हैं 30 में, देखो 30/ क्या है डी है, प्लस में 24/u इक्वल्स टू 49/20 दे रखा है, यही ना। अगर मैं डी की जगह पर क्या रखूँगा, यहाँ पर 24 रखूँगा, तो ये कट जाएगा कितने बार में, 6 से कटेंगे 5 बार में, 6 से कटेगा 4 बार में, 5/4 यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा 49/20 से। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से लिखता हूँ कि भाई 24/u बराबर क्या हो जाएगा 49/20 माइनस का 5/4, तो ये हो जाएगा कितना 24/u इक्वल्स टू, अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 20 हो जाएगा, और 5 का 4 × 5 = 20 और 5 × 25, ये कितना हो जाएगा 24/ कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा, 24/ कितना हो जाएगा 20, 24 या 24 कट जाएगा यहाँ से, यानी कि यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी आ गई 20 किलोमीटर पर आवर आ गई। हमें क्या बोला गया है भाई कि शांत जल में नाव की गति बताइए, स्पीड ऑफ वाटर इन स्टील वाटर, तो उस केस में क्या होता है, स्पीड क्या होती है, ये होती है आपकी डी प्लस यू अपॉन में 2। डी कितना है 24 और बी यू कितना है 20, 24 और 20 कितना होता है 44/2, यानी ये हो जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी 22 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी।